सो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल फैजल आलम ऑफिशियल में। सो गाइस, आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ कि आप कैसे आईफोन एक्स का नोटिफिकेशन पैनल आप यूज कर पाएंगे अपने ओप्पो A3s के अंदर। पर गाइस, जो भी मैं मेथड आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, वो सभी ओप्पो फोन के अंदर वर्क करने वाले हैं। सो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जो मेथड मैं आपको बताऊंगा सभी फोन में वर्क करेंगे। और आई होप आपको वीडियो भी बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ ओप्पो और अदर फोन से रिलेटेड वीडियोस आने वाली है। सो जितने मेरे सब्सक्राइबर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपसे ज्यादा वीडियोस इसी चैनल पे आएंगी। तो उस चैनल पे वेट मत करना इन वीडियोस का, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, हमने फोन के स्क्रीन पर आ चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे पास अभी ओप्पो A37 है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे आईफोन का नोटिफिकेशन पैनल या फिर नोटिफिकेशन कंट्रोलर कैसे यूज कर पाएंगे अपने फोन के अंदर। सो गाइस, वीडियो के साथ बने रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अब इसी चैनल पर वीडियोज आया करेंगी, दूसरे चैनल पर नहीं आएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और वेट मत करना उस चैनल पर। तो दोस्तों, देख सकते हैं मेरे पास अभी ओप्पो A37 है, तो इसी में बताऊंगा। पर ये मेथड आपके सभी फोन से वर्क करने वाला है और बहुत अच्छा वर्क करता है। ये कंट्रोल पैनल आपके सभी फोन वर्क करेगा, जितने भी आपके एंड्रॉइड फोन्स हैं सब में वर्क करने वाला है बहुत अच्छी तरीके से। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो गाइस, सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, मैं आपको पूरा स्टेप बताऊंगा। तो प्लीज जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो उसके लिए आपको डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले तो अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है। सो गाइस, यही वाला एप्लीकेशन है, देख सकते हैं दोस्तों, कंट्रोल सेंटर iOS 12। तो यही वाला एप्लीकेशन जिसे आपको डाउनलोड कर लेना है। तो मैं यहाँ पर अपना नेट को ओपन कर लेता हूँ। नेट ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कंट्रोल सेंटर iOS 12। सो गाइस, यही एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है, देख सकते हैं कंट्रोल सेंटर iOS 12 यही एप्लीकेशन है। सबसे पहले तो आपको इसे डाउनलोड कर लेनी है, तो मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। दोस्तों, बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, इसे मैंने यूज किया खुद, तो बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। तो देख सकते हैं इसकी साइज 3 MB है, सिर्फ आपको 3 MB में इतनी सारी फैसिलिटीज मिल जाएंगी और आपका फोन एकदम लुक आईफोन जैसा लुक हो जाएगा और बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है। हम इसे डाउनलोड होने देते हैं और इसका वेट कर लेते हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड हो रही है और इसे डाउनलोड होने देते हैं। तो यहाँ एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुकी है। डाउनलोड करने के बाद आपको इसे ओपन कर लेना है। तो देख सकते हैं, जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा ओपन होगा। तो यहाँ पे इस फोन के अंदर परमिशन नहीं मांग रही, क्योंकि ओप्पो A37 थोड़ा ओल्ड डिवाइस है। तो जब आप ओप्पो A3s खोलेंगे तो उसके अंदर कुछ ऐसा आएगा, यहाँ पे परमिशन मांगेगा, आपको परमिशन को दे देनी है। तो यहाँ पे नेक्स्ट करना है, उसके बाद देख सकते हैं कुछ ऐड आ रही है, तो ऐड को आपको बंद कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एप्लीकेशन ऑन हो चुकी है और अपने आप देख सकते हैं ये ओपन हो चुका है। तो जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे अपने ओप्पो A3s डिवाइस के अंदर, तो सबसे पहले आपको इसे इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पे जाना है साइज वाले ऑप्शन में। साइज वाले ऑप्शन में जाने के बाद देख सकते हैं आप साइज को बड़ा छोटा कर सकते हो और आपको कहाँ पे साइज चाहिए जहाँ से आप अपने कंट्रोल पैनल को चाहते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं कोने में बन के आ चुका है। इससे आप इस साइज को बड़ा छोटा भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जैसा आपको चाहिए हो। तो जैसे मैंने राइट में कर दिया और हम बैक आ जाते हैं। और यहाँ से देख सकते हैं, मैं ऐड को क्लोज कर दे रहा हूँ। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल, देख सकते हैं कि किसी तरीके से वर्क कर रहा है। पर गाइस, जब इस फोन के अंदर मैं बैक करूंगा, बीच वाला बटन दबाऊंगा, तो यहाँ से हट जाएगा। पर जब आप ओप्पो A3s में यूज करेंगे तो यहाँ पे पूरा रहेगा और आपको रिसेंट ऐप से इसे हटाने नहीं है। इस वाली एप्लीकेशन को आपको जैसे देख रहे, इस एप्लीकेशन को आपको लॉक कर देना है। नीचे साइड क्लिक करके यहाँ पे लॉक करने का ऑप्शन आएगा, तो आप लॉक कर देना है आपको यहाँ से, और फिर आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ क्या क्या फीचर्स हमें इसके अंदर मिल जाएंगे। तो दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ से आप म्यूजिक को चूज कर सकते हैं सेटिंग पे क्लिक करके। मतलब आप कौन से फोन से म्यूजिक सुनना चाहते हैं, सबसे पहले तो आप म्यूजिक प्लेयर चुन लेना। उसके बाद यहाँ से आप म्यूजिक भी ऑन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ब्राइटनेस को कम ज्यादा भी कर सकते हैं, म्यूजिक को ज्यादा बड़ा छोटा कर सकते हैं। और यहाँ पे जो फ्लैश है, फ्लैश भी ऑन कर सकते हैं, आपको परमिशन दे देनी है एग्री। तो देख सकते हैं फ्लैश भी ऑन हो चुका है, यहाँ से बंद भी कर सकते हैं और यहाँ से अपने वाईफाई को और ब्लूटूथ को इनेबल और बंद भी कर सकते हैं। और बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है, तो आप भी इसे यूज कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा एप्लीकेशन जिसे आप यूज कर सकते हैं। तो इसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई सी भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बिल्कुल न्यू चैनल है, यहीं पर आप सारी वीडियोस आया करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कोई भी कमेंट हो तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और टिल देन, गुड बाय।